NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों कम्युनिकेशन क्लास 6, इस क्लास में हम बात करने वाले बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। इसमें मुख्यतः लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल और ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करेंगे। इनसे रिलेटेड दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और इस क्लास में पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में 2012 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे कम्युनिकेशन मॉडल से आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में UGC NET JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोस हैं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई हैं। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, आईसीटी के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग क्यूए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की। तो कम्युनिकेशन मॉडल करने से पहले दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए कम्युनिकेशन मॉडल में अगर हम बात करें तो सिंपली अगर प्रोसेस हम बात करें तो वो होती है SMCR की, हमारा प्रोसेस होता है SMCR का मतलब होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और लास्ट में एक और चीज़ होती है, वो होती है फीडबैक। जब तक कम्युनिकेशन में फीडबैक ना हो तब तक उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इसको हम समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। देखिए कम्युनिकेशन के अंदर क्या प्रोसेस है हमारी, सबसे पहले एक सेंडर होता है, सेंडर जो मैसेज भेजने के काम करता है और उसको क्या करता है कि मैसेज को एनकोड करता है। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज को इस वे में कन्वर्ट करना जिस वे में अगला व्यक्ति उसे समझ सके, कोई और समझे या ना समझे लेकिन उस व्यक्ति को समझ में आना ज़रूर चाहिए जिस व्यक्ति को हम मैसेज भेज रहे हैं। जैसे ये बोल दिया इसने कि कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके जाना है, इन्होंने मैसेज को एनकोड कर दिया। उसके बाद में है मैसेज इसने आगे बना के भेज दिया। और चैनल, कौन से चैनल के जरिए इसने यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है। और इसमें चैनल हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो सकता है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सके। और इस चैनल के दौरान एक और चीज़ होती है, वो होती है दोस्तों नॉइज़ होती है। अब चैनल में नॉइज़ भी आ सकती है, जैसे कि फिजिकल नॉइज़ हो सकती है, टेक्निकल नॉइज़ हो सकती है, हो सकता है कि फ़ोन में कट कट की आवाज़ आ रही हो, सही से अगले के पास आवाज़ ना पहुंच रही हो, तो कई तरह की प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। उसके बाद क्या है कि जो मैसेज रिसीवर को मिलेगा वो उसको डिकोड करेगा। डिकोडिंग के लिए अब देखो इसने बताया हुआ है कि मैसेज को कैसे डिकोड करना है। अब इस लड़के ने बताया कि जो भी मैं तुम्हें मैसेज कोड वर्ड में भेजूं उसको आप अल्फाबेटिकल रीजनिंग में कन्वर्ट कर लेना। अब इसने 217 को इसने कन्वर्ट किया, 2 नंबर पे अल्फाबेटिकल रीजनिंग में बी आता है, 1 पे ए आता है और 7 पे जी आता है हमारा, तो ये हो गया बैग। अब इसने कन्फर्म करने के लिए इसको दोबारा से मैसेज किया,
कल स्कूल में बैग लेके आना है क्या? अच्छा, स्कूल में बैग लेके जाना है, ये इसने कंफर्म करने के लिए इसको मैसेज भेजा, फीडबैक दिया। तो ये बोला कि हाँ कल स्कूल में बैग लेके आना है। तो ये यहाँ पे हमारा फीडबैक हो गया। तो ये दोस्तों हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जी। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं। वैसे तो मास कॉम में बहुत मॉडल है दोस्तों करने के लिए, 50+ मॉडल है, लेकिन वो सभी मॉडल हमें नहीं करने हैं। हमें केवल उन्हीं मॉडल पे फोकस करना है जो यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पेपर वन में पूछे जाते हैं। तो इसमें तीन मॉडल हैं, उन तीन ही मॉडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मॉडल है दोस्तों लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें संचार सीधी रेखा में होता है, इसमें फीडबैक बहुत कम या ना के बराबर होता है, बड़ी मुश्किल से इसमें फीडबैक मिलता है। जैसे पहले के समय में हम बात करें तो रेडियो पे एंकर अपनी प्रस्तुति देते थे और उनको काफ़ी समय बाद पत्र के जरिए जवाब मिलता था। देखिए रेडियो पे इस तरह से आते थे ना, विविध भारती प्रोग्राम आता था, FM गोल्ड पे प्रोग्राम आते थे, तो उस पर हम अपने चिट्ठी लिख के अपना फीडबैक देते थे। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कम्युनिकेशन सेंटर है, और ये बोल रहे हैं कि आज रात 8 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने मैसेज भेज दिया, और चैनल क्या है, जी न्यूज़ चैनल के जरिए इन्होंने मैसेज भेजा है। और यहाँ पे रिसीवर है, ये देखिए रिसीवर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये रिसीवर इनके मैसेज को सुन रहे हैं बट ये फीडबैक नहीं दे पा रहे। अब ये बेचारे कहना चाहते कि यार इन मोदी जी आप कल नहीं, आप परसों से लगा दीजिए लॉकडाउन, कल तो मेरी नानी के वहाँ पे ना शादी है तो उनके वहाँ पे जाना है, तो आप परसों लगा दीजिए। ऐसे फीडबैक तो नहीं दे सकते ना। तो मतलब कहने का ये है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत कम या ना के बराबर होता है, उसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं दे सकते। तो ये चीज़ होती है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है दोस्तों इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें जल्दी फीडबैक देने का प्रयास किया जाता है, एक दूसरे की बातों का ध्यान रखा जाता है और बारी बारी अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को शेयर करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले अगले का मैसेज आएगा और फिर हम जब टाइप करेंगे तो अगले को क्या दिखाएगा, फलाना इज टाइपिंग, ढिमकाना इज टाइपिंग, ठीक है। तो इसमें हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, पहले उसका मैसेज आया फिर हमने भेजा, फिर उसने भेजा फिर हमने भेजा, इस तरह से हम इंटरेक्ट करते रहे। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। मैं दोस्तों हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कई लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कभी भी कोई भी बोल सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी एक कालू भाई साहब है, ये कालू भाई साहब इनसे बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं और बताओ भाई साहब क्या है, और चले प्रोग्राम कर ले, ठीक है 5 तारीख को प्रोग्राम कर ले। अब बीच में ये बोल पड़ी, नहीं 5 तारीख को नहीं करना है, 5 तारीख को मेरी बुआ की शादी है, वहाँ जाऊँगी मैं, तो 5 तारीख को नहीं करना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इन दोनों की बात को बीच में काट दिया। अब इसने बीच में इंटरेक्ट कर दे वो कर दिया ना, इसने ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो लोग होते हैं कभी भी कोई भी अपना मैसेज कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे बैठे हुए हैं एक दूसरे से, अब ये दोनों के दोनों बातें कर रही है, ठीक है, ये दोनों बातें कर रही है और बीच में ये आ गए, ये भाई साहब आ गए बीच, ठीक है, तो हड्डी में कबाब आ गए। तो इस तरह से बीच में पढ़ना और कम्युनिकेशन करना, तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया जी। और अब देखिए एक और चीज़ है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जहाँ पे इसमें क्या है कि जो रिसीवर है वो सेंडर का स्थान ले लेता है और सेंडर रिसीवर का स्थान ले लेता है। अब देखिए इसने कहा, ये भाई साहब ने ये कहा, भाई मेरे 1,000 रुपये दे दें, ठीक है। अब इसने कहा, भाई अभी नहीं है मेरे पास, 1 महीने बाद दूंगा। अब सेंडर ने, अब देखो
पहले क्या ये सेंडर था, ये यहाँ पे क्या था, सेंडर। सेंडर ने मैसेज भेजा और ये बन गया रिसीवर, इसने मैसेज प्राप्त किया। अब ये क्या कर रहा है, रिसीवर इसको बोल रहा है भाई मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, मैं 1 महीने बाद दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। तो इसने क्या कहा कि इसने ये मैसेज दोबारा इसको फीडबैक के जरिए भेजा। अब ये क्या बन गया, सेंडर, और ये क्या बन गया, रिसीवर बन गया। अब ये बोल रहा है अरे भाई यार 1 महीने बाद कहाँ यार, परसों मेरी किस्त है यार, EMI कटनी है मेरी यार, मेरे को तो यार मेरे को नहीं पता, मेरे को तो परसों ही पैसे चाहिए, कैसे भी कर मेरे को पैसे चाहिए, है ना। और ये बोल रहा है तेरे को 6 महीने हो गए, तेरे को शर्म आनी चाहिए, 2 दिन का बोल के तू पैसे लेके गया था, अब पैसे नहीं दिए, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शनल मॉडल हो गया, ये ट्रांजेक्शन बढ़ रही है इनकी, कम्युनिकेशन की, मैसेज की, बार बार एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा बात होगी, जितना ज़्यादा फीडबैक होगा, तो उतना ज़्यादा ही तो नॉइज होगा ना, बार बार मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ पे नॉइज भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये हमारे 3 मॉडल है कम्युनिकेशन के, और इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर, एक मिनट बस सही कर लेता हूँ स्क्रॉलिंग। ये देखिए ये है हमारा, देखिए इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइज आर इंट्रोड्यूस एज ए इम्पोर्टेंट वेरिएबल। नॉइज को इम्पोर्टेंट वेरिएबल कौन से मॉडल के अंदर माना है। तो अभी हम करके आए ना, जितनी ज़्यादा बात होगी उतना ज़्यादा हमारा नॉइज उसके अंदर क्रिएट होगा। तो ये हो गया ट्रांजेक्शनल मॉडल राइट आंसर। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे इसमें आए हैं। अब ये देखिए सिक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह की सीक्वेंस होती है हमारी कम्युनिकेशन की। तो ये देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सभी जो ऑप्शन है इनमें देखिए, इनमें सबसे पहले एनकोड करते हैं, मैसेज को एनकोड करेंगे, ठीक है, फिर मैसेज का निर्माण करेंगे, और उसके बाद में क्या आएगा, हमारा मीडियम आएगा, फिर आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा, और मीडियम के साथ में ही हमारी क्या होती है, नॉइज़ होती है, ठीक है, ये हो जाएगी नॉइज़, और उसके बाद में फिर मैसेज को हम डिकोड करते हैं। तो EMM, ई किसके अंदर है हमारा, एनकोडिंग सी है, ये देखो CADEB, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अपना आंसर दे सकते। और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल। अब जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अभी हम करके आए ना, ये देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये देखो एक दूसरे का स्थान चेंज कर रहे हैं, पहले ये सेंडर था, अब क्या बन गया, रिसीवर बन गया, और ये रिसीवर था थोड़ी देर बाद भी क्या बन गया, सेंडर बन गया, एक दूसरे का स्थान चेंज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सिचुएशन ऑफ ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने के लिए टीचर ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दी क्लास के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन में कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, तो क्या हो गया, हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन 3 मॉडल से बार 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 रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ये देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन आया है हमारा। देखो एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर। अब एक टीचर है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो अपनी ओर से तो बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा स्टूडेंट पे इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्टूडेंट को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है प्रेजेंटेशन, क्या लग रही है, उनसे वो कोई फीडबैक नहीं ले रहा। तो वहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे तो वहाँ पे होगा हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल होगा, क्योंकि लीनियर मॉडल में हमने बात की थी ना, आज रात 8 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन, मतलब वहाँ पे हमने अपनी बात कह दी, अगलों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगलों का कोई हम फीडबैक नहीं ले रहे। तो जहाँ पे हम फीडबैक नहीं लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा जी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है हमारे, इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 6 ग्रुप है स्टूडेंट के, उनके अंदर डिस्कशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर ट्रांजेक्शनल मॉडल हो जाएगा ये हमारा। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
ये देखो, ये फिर हो गया इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल। जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन तीन मॉडल से किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जी तो दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो ये सभी क्वेश्चन ले सकते हैं। 2023 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल रखे हैं 2012 से लेके 2023 तक। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये टॉप दोस्तों हमने क्या कर रखा है, 2012 से लेके 23 तक टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेते तो आपका पहली बार में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, निमिज नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोज है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई है। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, आईसीटी के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।